हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन टारगेट क्लासेस। आज हम कुछ नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले दो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, जो कि नया चैप्टर है। कौन सा? हैंड टूल। हैंड टूल कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसा टूल जिसका उपयोग हम कहीं भी करते हैं तो हाथ के द्वारा करते हैं, यानी हाथ से उसको पकड़ कर करते हैं, हाथ से उसके उस कार्य को पूरा करते हैं उस टूल के द्वारा, उसे क्या बोलेंगे? हैंड टूल बोलेंगे। तो हैंड टूल में एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, हैंड टूल जो है बहुत ही बीबीआई चैप्टर है। क्या है? बीबीआई चैप्टर है हैंड टूल। इसलिए क्योंकि किसी भी एग्जाम में, या तो कंपटीशन का एग्जाम चले जाइए या आपके आईटीआई का सेमेस्टर एग्जाम हो गया, या उसमें जो है हैंड टूल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब आपको तीन चार क्वेश्चन आपको हैंड टूल से आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको बढ़िया से पढ़ेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसे देखेंगे। तो इसमें हम हैंड टूल में पहला टॉपिक क्या लेके आए हैं? हमारा हैमर। हैमर यानी हथौड़ा। हथौड़ा बोलते हैं जिसे, हैमर बोलते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि हैमर डिफरेंट टाइप के होते हैं और इसका हर एक का काम अलग अलग है। तो यहाँ पर जितने भी टाइप है सबका नाम हम लिख चुके हैं और इस सब का कार्य भी होता है। तो सबसे पहला चीज देख लेते हैं कि हैमर के बारे में जान जाते हैं कि हैमर जो होता है ना, वो एक होता है कास्ट स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, हैमर का जो यानी लोहा वाला जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है? कास्ट स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। इसका अगर वेट की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, जनरली हैमर जो होता है जिसे हम जनरली काम में यूज करते हैं, इसका वजन 0.125 केजी से 1.5 केजी के बीच होता है। मतलब 125 ग्राम के 1.5 केजी के बीच में होता है। डिफरेंट टाइप के हैमर है तो सबका वेट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हैमर का कुछ भाग होता है, मतलब इसका नाम कुछ दिया गया है पार्ट का, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? क्ले बोलते हैं। इससे क्या करते हैं? किसी कील को उखाड़ते हैं। हैंडल, हैंडल जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। और हैंडल को क्या करते हैं? ग्रिप। ग्रिप का मतलब क्या होता है? जिसे हम हैंडल को पकड़ते हैं। जैसे कि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, ये हैंडल हैमर है, एक टाइप का है। इसको क्या करते हैं? यहां से हम पकड़ते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रिप बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है चेक। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? चेक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पार्ट को। उसके बाद क्या है? नीचे होता है फेस। फेस का मतलब क्या होता है? फेस जो होता है, यानी फेस कहने का मतलब कि किसी कांटी का कील्स को दीवार पर यदि हम ठोकते हैं तो क्या करते हैं? फेस से ही प्रहार करते हैं, यानी फेस से ही उस पर वर्क होता है। उसके बाद है इधर आई होल। आई होल जो कि ये लकड़ी का इसमें लगाया जाता है, वेज वेज भी होता है। तो ये तो था हमारा इसका पार्ट, यानी इसका कौन कौन से पार्ट होते हैं हैमर के। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ हैमर। टाइप ऑफ हैमर कहने का मतलब यहाँ पे इतने सारे हैमर का टाइप जो है लिख चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। और इस वीडियो के बाद आपको फिर नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा, तो दोनों उस वीडियो को भी देखना ना भूले। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला है हमारा बॉल पेन हैमर। ठीक है, क्या है? बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर भी बहुत ही आसान होता है, सेम हैमर का सेम ही चीज है। ध्यान दीजिए यहाँ पे है, ये हमारा बॉल पेन हैमर है। इसमें क्या होता है कि ये फेस तो होता ही है, फेस इसमें भी होता है। इसे क्या करते हैं हम? किसी भी सतह पे या कील ठोकने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और बॉल कहने का मतलब यहाँ पे ये गोल टाइप का यहाँ पे बना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे? बॉल टाइप हैमर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रॉस पेन टाइप का हैमर। क्रॉस पेन किसे बोलेंगे? क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, क्रॉस जो होता है वो ये है क्रॉस पेन। ठीक है, यानी इसमें भी फेस होता है। और देखिए क्रॉस का मतलब क्या है कि ये हम इधर से हैंडल पकड़े हुए हैं, हैंडल इधर से पकड़े हुए हैं, इसका क्या है? ये जो है ग्रुप क्लॉ, सो इस डायरेक्शन में है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पेन हैमर। ठीक है, ये हो जाएगा क्रॉस पेन हैमर। इसी का नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट, स्ट्रेट पेन हैमर। तो ये स्ट्रेट जो होता है वो इसी के दिशा में होता है, यानी ये जो है ऐसे हो जाएगा, हमारा हैंडल इधर से होगा। ठीक है, यानी हैमर है ऐसे होगा और ये जो वाला भाग है ये ऐसे, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा। नेक्स्ट होता है क्ले। क्ले हैमर जो होता है इसको गांव देहात में इसका जनरली इस्तेमाल जो होता है वो बढ़ई लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, बढ़ई लोग ज्यादा करते हैं और इसे जमुरा टाइप का बोला जाता है गांव देहात में। तो उससे क्या होता है? इसका इस्तेमाल जो होता है आपको हम बताना चाह रहे हैं, सेम है जो कि हम बना चुके हैं, सेम है। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या करते हैं? अगर जैसे कि
फेस से कील को ठोकते हैं। अगर वो कील टेढ़ा हो गया तो क्या करते हैं, इससे यानी क्ले के द्वारा, इसके द्वारा अब क्या करते हैं, उस कील को निकाल लेते हैं। तो हमारा इसका सिर्फ यही काम है कि इससे क्या करते हैं, कोई भी कील टेढ़ा हो गया हो तो उसको निकाल लेते हैं, बस इतना ही काम है। उसके बाद नेक्स्ट हैमर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लेज हैमर। स्लेज हैमर को हम गांव में देहात में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल अधिकतम लोहार लोग करते हैं, जो कि लोहा पीटने के काम में आता है। और इस ये जो होता है 2 से 10 केजी के बीच होता है, इसका जो वेट होता है 2 से 10 केजी का वेट होता है। इसको स्लेज हैमर जो है ये, इसका हिंदी मतलब इसको हम घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो है ना बड़े बड़े वर्कशॉप में होता है लोहा को पीटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर उसे कहेंगे जो कि जिसका बेस जो हो वो एकदम सॉफ्ट मेटल का हो, जैसे तांबा एल्युमिनियम ये सब चीज का हो, और जिसका उपयोग किसी भी जैसे कि जॉब पर, अगर हम उसका उपयोग किसी जॉब पे करेंगे तो क्या होगा, वो निशान नहीं आएगा, ठीक है। सॉफ्ट उसी को कहेंगे, जैसे कि ये बोर्ड है इस पर हम उस हैमर का इस्तेमाल करेंगे, इस पे निशान नहीं आएगा। और किसी दूसरे हैमर से, जैसे ये कोई दूसरा हैमर, इस पर अगर हम चोट करते हैं तो ये टूट जाएगा या यहाँ पे क्रैक हो जाएगा या निशान आ जाएगा। तो वो सब सॉफ्ट हैमर जनरली कहेंगे कि तांबा एल्युमिनियम इन सब चीजों का जो बना हुआ है, प्लास्टिक का, वो हो जाएगा सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर सबसे पहला है प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक हैमर जहां पे सॉफ्ट मेटल का जो जो बना होगा वहां पे प्लास्टिक हैमर का इस्तेमाल करेंगे। प्लास्टिक हैमर का बेस जो होगा यानी जो बॉडी उसका होता है वो लोहे का होगा, और जो मतलब हैंडल जो होगा वो प्लास्टिक का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नायलोन। नायलोन में भी वही बात है कि बेस जो होगा वो लोहे का होगा और हैंडल नायलोन का होगा। ये जितना भी है सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट में क्या होता है कि सॉफ्ट में सारा कंडीशन जो है वो मतलब कि आसानी, जैसे कि किसी पर भी चोट करेंगे तो उसपे दाग ना हो, इसी के कारण होता है सॉफ्ट। नेक्स्ट है रॉ हाइड हैमर। रॉ हाइड हैमर क्या होता है कि इसमें कच्चे चमड़े का जो पार्ट होता है वो हैमर के दोनों साइड में लगा दिया जाता है, जिससे कि किसी भी जॉब पे मतलब उपयोग करते हैं तो वो वहां पर निशान नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा मैलेट। मैलेट का मतलब क्या होता है कि लकड़ी का हथौड़ा। ये लकड़ी जो है ना हार्ड लकड़ी होता है, मतलब कहने का मतलब ये तो हल्का होता है बट हार्ड होता है। इसमें टीक का लकड़ी होता है, सागवान ये सब लकड़ी हो सकता है, बट ऐसा लकड़ी जो हल्का हो और हार्ड हो, ठीक है, मतलब कि तुरंत अति एल्युमिनियम या पीतल के बर्तन पे मारने पर टूट ना जाए, इसीलिए लकड़ी जो होता है हार्ड होता है। तो मैलेट होता है लकड़ी का हथौड़ा होता है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, सीट मेटल। सीट मेटल कहने का मतलब जहां पे पेटी बनाया जाता है या एल्युमिनियम सब मेटल का, सीट मेटल का बर्तन बनाया जाता है वहां पर इसका इस्तेमाल करता है, किसी भी टेढ़ा या सीधा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा टोटल था हैमर चैप्टर जो था वो हैमर खत्म हो गया है। इसका आपको मतलब अभी हैंड टूल हमारा चल रहा है, तो हैंड टूल में जितना भी टॉपिक होगा वो सारा इम्पोर्टेंट है। और जो हैमर जो आज हम क्लियर किए हैं, हैमर जनरली जो है हम लोग अपने जीवन में भी, जैसे कि घर पे भी हैमर एक दो हैमर होगा जिसका इस्तेमाल हम कील ठोकने के लिए करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हैमर चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हैंड टूल और भी, क्योंकि हैंड टूल में ही बहुत सारे टूल आते हैं जिसको हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे। तो दोस्त हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ अपना क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, तो हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं।